नमस्कार। सीए पर केंद्र सरकार लगातार हर दम कोशिश कर रही है कि माहौल बनाए उसके समर्थन में। विरोध भी जारी है, बीच बीच में बयान आते हैं विरोध के, ऐसे में तमाम बड़ी हस्तियां देती हैं, ऐसे में कोई उनके अपने बीच का कोई बयान दे तो उनके लिए किरकिरी हो जाती है, ख़ास तौर पर केंद्र की सरकार के लिए। ऐसे ही एक व्यक्ति ने जिसने पहली बार यूपी में घोसी की सीट, लोकसभा सीट जितवाई, हरिनारायण राजभर, 2019 में जीत नहीं पाए, बीएसपी के अतुल राय से हार गए। हालांकि अतुल राय जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को सांसद कहते रहे। हारने के बावजूद उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया जिससे मोदी जी की किरकिरी हो गई। वो ये, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वो हंसी का पात्र बन गए कि एक व्यक्ति जो 5 साल सांसद रहता है, दूसरी बार भी प्रत्याशी बनता है, उसको नहीं पता एनआरसी क्या है और सीए क्या है। उनसे पूछा गया एनआरसी क्या है, इसका मतलब बता दीजिए, जबकि बीजेपी के सारे नेता, इस वक्त बड़े बड़े नेता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एनआरसी क्या है, सीए क्या है। ऐसे में हरनारायण राजभर से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? एनआरसी यही है कि विभिन्न दूसरे देशों से जो धार्मिक दृष्टि से, जैसे पाकिस्तान से, जय बांग्लादेश से, इराक से, ईरान से, जो हिंदू, पारसी, सिख इत्यादि इस तरह के जो लोग प्रताड़ित करके भारत और शरणार्थी भारत में आए हैं, उनको नागरिकता दे। उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? जो तो एनआरसी आप देख ही रहे हैं, लोकसभा में दल बदल विधेयक है। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म यही है कि उनको नागरिकता प्रदान करना। तो उनके कान में जा रहा था शब्द एनआरसी, लेकिन उनका दिमाग उसे सीए में कन्वर्ट करके उन्हें भेज रहा होगा और वो बार बार उसे सीए की फुल फॉर्म और सीए क्या है इस कानून के बारे में बता रहे थे। ऐसे में लगातार वो सीए के बारे में ही बोलते रहे, ना उन्हें एनआरसी के बारे में पता था, ना सीए के बारे में ढंग से पता था। एनआरसी की फुल फॉर्म भी आपने सुनी कि वो बता पाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में जब वो अपने आप को, खुद को सांसद कह रहे हैं, इस तरह के नेता अगर सीए पे कैंपेन करेंगे तो सोचिए बीजेपी की हालत क्या होगी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।